नमस्कार। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। हरियाणा की ताज़ा तरीन अपडेट पाने के लिए आइए जानते हैं हरियाणा की ताज़ा अपडेट। अनिल विज, गृह मंत्री अनिल विज के लिए और एसपी के लिए बेहद ही बुरी खबर आई है। ये पूरी खबर अम्बाला शहर से आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, गृह मंत्री विज का काफिला रोकने व अपशब्द कहने का मामला सामने आया है। जैसा कि स्क्रीन पे हड़जूम को आप देख रहे होंगे, गृह मंत्री अनिल विज का काफिला रोकने, अपशब्द कहने पर पत्थर फेंक, पुलिस गाड़ी एक्सीज करने के आरोप में पड़ाव धरना, थाना के अंदर किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कर ली गई है। वहीं किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में हजारों तादाद में किसान एसपी ऑफिस का घेराव करने पहुंच गए हैं। कई घंटे तक किसान और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी रही। भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष गुलाब सिंह का कहना है कि देर रात गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, प्रशासन से बातचीत करने के लिए आए हैं। जब तक रिहाई नहीं हो जाती, धरने से नहीं हिलेंगे। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक वन प्रधान व जलवेड़ा ने दावा किया कि दो किसानों को, नवदीप जलवेड़ा व छोटा को, गिरफ्तार किया गया है। रात मौके पे वो यहीं थे। उधर युवा किसान नेता नवदीप जलवेड़ा ने भी पुलिस को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत में पेश किया गया तो जमानत पर रिहा कर दिया गया है। बैठक के बाद ही छोड़ेंगे किसान, किसानों ने कहा है। यदि गिरफ्तार किए गए किसानों को नहीं छोड़ा तो वो नहीं हटेंगे। छानवी में बदल गया अंबाला शहर। अंबाला शहर के अंदर एसपी के द्वारा टुकड़ियां, यहां पर आपको बता दें कि पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस बुलाई जा रही है ताकि किसानों पर काबू पा जाए। अभी की बड़ी खबर आप अंबाला शहर से देख रहे थे।